हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे। टीवी एनआरआई देख रहे हो तुसी ते मैं हां तुहाडे नाल हीना। इस वक्त दी वड्डी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिन्ने खेती कानून वापस लैण दा ऐलान कर दिता है। जी हाँ, गुरपुरब मौके वड्डा तोहफा किसानों नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों दिता गया है। पर उत्थे जिथे हर कोई ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे इस तोहफे दा स्वागत कर रहा है, इस वड्डे ऐलान दा स्वागत कर रहा है, पर किसानों ने हुण वड्डा ऐलान कर दिता है। जी हाँ, दस दिए कि किसानों ने कहा है कि असीं हुणे वी उसे तरह बॉर्डरां ते बैठे रहांगे जदों तक लिखती रूप दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ने वो तिन्ने खेती कानून रद्द नहीं कर देंदे। जी हाँ, उन्हें कहा कि जिवें उन्हां ने तिन्ने खेती कानून पास किए सी उसे तरह वो तिन्ने खेती कानूनों नूं वापस भी लैन। जिस तरह लिखती रूप दे विच तिन्ने खेती कानूनों के उत्ते मोहर लगी सी उसे तरह तिन्ने खेती कानूनों नूं वापस लेना चाहिए। अजिहा किसान आगुआं दे वल्लों वड्डा ऐलान जिहड़ा उह कर दिता गया है। उत्थे दस दिए कि 26 नवंबर नूं ट्रैक्टर रैली दा वड्डा ऐलान किसानां दे वल्लों कीता गया सी। यूपी दे विच जिथे रैली होनी सी, दिल्ली दे विच किसानां ने वड्डी ट्रैक्टर रैली कढ़नी सी, तां उन्हां ने इस रैली नूं भी हुणे तक रद्द नहीं कीता है। उन्हां कहा कि उस तरह जिस तरह असीं पहलां ऐलान कीता सी तां 26 तरीक नूं ट्रैक्टर रैली भी होवेगी। वड्डी तादाद दे विच किसान ट्रैक्टर लैके जाणगे। उन्हें कहा कि जदों तक पार्लियामेंट के ऐलान नहीं होंगे कि तिन्ने खेती कानून जोड़े ने रद्द हो गए ने, उदों तक किसान बॉर्डर से बैठे रहेंगे। तो 26 तरीक न रैली जी है वह भी क्ढ़ी जाएगी उस तरह जिस तरह उन्होंने ऐलान किया। तो व्डा ऐलान जोड़ा है पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों किया जाता है। उन्होंने मुआफ़ी भी मंगी है हालांकि किसानों के कोलों, तो तिन्ने खेती कानून वापिस भी लै लेने। देश नूं अज उह संबोधन कर रहे सी जिस दौरान वड्डा तोहफा जिहड़ा उन्होंने दे दिता है। मैनू नहीं लगता कि इस तो वड्डी होर कोई खुशी हो सकती है अज, पर किसानों के वलों जिहड़ा वड्डा ऐलान कर दिता गया। किसानों ने कहा है कि जदों तक पार्लियामेंट दे विच ऐलान नहीं हुंदा, पार्लियामेंट दे विच तीन खेती कानून जिहड़े ने रद्द नहीं हुंदे, उदों तक असीं इह तिन्ने खेती कानूनां नूं रद्द नहीं मन सकते। उन्हें कहा कि 26 तरीक नूं ट्रैक्टर रैली भी होवेगी, तो इस दे नाल ही किसान जिहड़े ने उह दिल्ली दे बॉर्डरां ते बैठे रहणगे, तो जिहड़ी लड़ाई है वह चलती रहेगी जदों तक लिखती रूप दे विच जिहड़े तीन खेती कानून ने वो रद्द नहीं हुंदे। तां वड्डा ऐलान पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों कीता गया, फिर किसानों दे वल्लों जिहड़ा हालांकि स्वागत भी कीता गया, खुशी भी जाहिर की गई। हर एक किसान दे चेहरे अज खिड़े हुए दिख रहे ने, पर किसानों ने कहा है कि जदों तक सानू लिखती रूप दे विच जिहड़ा वह नहीं मिल जाता कि तिन्ने खेती कानून रद्द हो गए ने। उन्हें कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल असीं बैठक भी करांगे, अते उस मीटिंग दे विच ऐलान होवेगा, तां ही असीं तिन्ने खेती कानूनां नूं रद्द मन्नांगे। तां वड्डी खबर है, तिन्ने खेती कानून जिहड़े ने वह रद्द हो गए ने। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं,
आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं।